सऊदी अरब आप जाना चाह रहे हैं और वीडियो देखने आ गए आपका छोटा राजन भाई एक एक करके बताएगा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सऊदी अरब तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये वीडियो देख लीजिएगा ना दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सऊदी अरब जाइएगा एकदम बिंदास कमाइएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा स्किप नहीं कीजिएगा मैं आपका छोटा राजन भाई फर्स्ट टाइम जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है बताएंगे मेरे साथ भी हुआ था ये आपके साथ ना हो तो प्लीज वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इससे क्या होगा जब भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुँचेगा और कुछ भी आपका सवाल होगा जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे तो पहला नंबर बात ड्राइविंग में आप जा रहे हैं तो मन में यही डर रहता है कोई कभी नहीं गया सऊदी अरब तो वहाँ जो सऊदी अरब अगर जा रहे हैं ड्राइविंग के जॉब में तो एयरपोर्ट से हमको लेने कौन आएगा मेन बात यही होता है ये से लेकर जेट तक बताएंगे दोस्तों थोड़ा लेट है टाइम निकाल कर वीडियो देखिएगा एयरपोर्ट पे लेने कौन आएगा लोग यही परेशान है कि भाई वहाँ तो मेरा कोई भाषा वहाँ का भाषा अलग है वहाँ का देश अलग सब चीज़ अलग वहाँ का मोबाइल नंबर अलग यहाँ का नंबर काम भी नहीं करेगा वहाँ जाइएगा तो एयरपोर्ट पर कीजिएगा क्या तो ये वीडियो देखिए ना आपका भाई बताएगा तो एयरपोर्ट पर अगर जाते हैं ना तो फर्स्ट नंबर बात आप कलम से नंबर लिख लीजिएगा ये ट्रिक बहुत लोग काम किया है मेरा ये कहा हुआ बहुत लोग काम किए हैं ये वाला ट्रिक आप भी कर लीजिएगा अपना घर का नंबर जो आपको बुला रहा है उस मालिक का नंबर अपना एजेंट का नंबर जो भी आपका संपर्की सऊदी अरब में रह रहा है उसका भी नंबर लिख के कागज़ में रख लीजिएगा और अपना पासपोर्ट का फोटो कॉपी करा कर भी रख लीजिएगा इस ये क्या होगा बाद में आपको पता चल जाएगा नंबर लिख के रख लिए हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है छोटा मोबाइल है कोई मोबाइल है तो आपके पास सब काम करेगा वहाँ के सिम लगाने के बाद सब काम करता है नहीं तो पहले जा रहे तो ईमो डाउनलोड कर लीजिएगा अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो आई एम ओ ईमो एप्लीकेशन होता है वो डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें और अपने घर पे भी डाउनलोड करिए घर पे बात कर सकते हैं वहाँ जो आपको अगर बुला रहा है कोई दोस्त यार रिश्तेदार है वो अगर आपको बुला रहा है उसके पास ईमो चलता है अगर आपका कपिल है उसका नंबर है ये है एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहाँ फ्री वाईफाई रहता है वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा ईमो से जिसको कॉल करना होगा कॉल कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे जिसको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कॉलिंग नहीं होता है अगर सिम पे किसी को कॉल करना है पर्सनली फ़ोन करना है सिम पे सऊदी अरब में ही तो अगल बगल में कोई पुलिस वाले रहते हैं चाहे कोई भी वहाँ पर आपको इंडियन पाकिस्तानी कोई भी मिल जाएगा उसको बोलिएगा चाहे टैक्सी वाला है किसी को बोलिएगा भाई एक कॉल कर दो तो वो कॉल कर देगा मिस कॉल मारेगा उधर से कॉल करके आप वहाँ से जो बुलाया है उससे संपर्क में आ जाइएगा कितना लोग सोचते हैं भाई ये है, जो हमको बुला रहा है वो ऐवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे ऐसा नहीं होगा बिंदास जाइए वो गाड़ी भेजेगा किसी आदमी को भेजेगा या खुद जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे अगर चले गए हैं मालिक के पास अगर चले गए हैं ड्राइवरिंग पहला नंबर वीज़ा कैसे मिलता है सस्ता वीजा ये भी जानना चाहते हैं सस्ता वीज़ा जब मिलेगा जो आप सऊदी अरब में आपका कोई ड्राइवर दोस्त यार भाई कोई भी रिश्तेदार अगर रहता है ड्राइविंग कर रहा है अगर उसको वीज़ा मिल रहा है तो वो अगर आपको वीजा भेजे भेजेगा तो वो सस्ता पड़ जाता है एजेंट के थ्रू लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है ये सब रहा बात की बात और वहाँ और चलिए मुद्दा पे आते हैं पहले ये है, कि वहाँ पर उतरने के बाद अगर रूम पर ले गए जा रहा है आपका कपिल ही सपोज आ गया कपिल तो आपको प्रेम से पूछेगा सब ठीक ठाक है ना वहाँ तो भाषा मालूम नहीं रहेगा इंग्लिश में पूछेगा इंग्लिश में आप बोल सके तो ठीक है नहीं तो ओके ओके कर दीजिएगा काम तमाम वहाँ पर ले जाएगा आपको अगर उसके पास घर में रूम है तो रूम देगा घर में ही बाहर एक छोटा सा रूम रहता है ड्राइवर का रूम वहाँ दे देगा नहीं तो अगर उसके पास रूम नहीं है तो वो अगल बगल में कहीं कहीं फ्लैट लिया रहता है जब सब काम करने वाला उसके साथ आपको शेयर कर देगा उसका पैसा वही देगा जो रूम रेंट होता है ना आपका मालिक देगा सिर्फ खाना आपको पैसा का है वहाँ पर इस तरह का आपका सेटल कर दे मान लीजिए आपका घर में ही सेटल कर अपने घर में ही रख दिया उसके पास अगर रूम है तो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा खाने खाइएगा अपना और बनाइएगा खाइएगा और ड्यूटी कीजिएगा और दूसरा नंबर बात ये आ जाता है कि लाइसेंस कैसे बनता है ये भी सवाल होगा लाइसेंस बताएगी नहीं बता देते हैं लाइसेंस बनता है इंडिया का लाइसेंस वहाँ काम नहीं करता है ये भी समझ लीजिए इंडिया का हैवी भी रहेगा तो वहाँ काम नहीं करेगा बस देखने के लिए मांगता है कि हाँ इंडिया में गाड़ी चलाता था ये वहाँ पे आपको ड्राइविंग टेस्ट लेगा पार्किंग लगाने के देगा ऐसे सीधा ले जाना ऐसे घुमा कर फिर बैक करके पार्किंग में गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देना है अगर वहाँ पे लकीर रहता है व्हाइट पट्टी रहेगा पट्टी पे सटना भी वो ट्रेनिंग देगा दस दिन का आपको ट्रेनिंग देगा स्कूल में एडमिशन करवा देगा कपिल वो पैसा कपिल नहीं देगा लाइसेंस बनेगा उसका भी कपिल पैसा देगा अकामा दे, बनेगा उसका भी मालिक ही पैसा देता है तो उस दस दिन आपको ट्रेनिंग देगा कंप्यूटर टेस्ट का पढ़ाई करवाएगा किताब मिल जाएगा हिंदी में जानते थे हिंदी का क्लास ले लीजिए इंग्लिश जानते थे इंग्लिश का क्लास ले लीजिए उर्दू जानते तो उर्दू का अरबी जानते थे अरबी का सब भाषा का वहाँ पर रहता है क्लास तो हिंदी का क्लास मान लीजिए आप ले लिए तो उस हिंदी में ही आपको समझाएगा कि इस तरह इस तरह का आपको करना है चार गो ऑप्शन आएगा उसमें से एक सही देना है मतलब बीस गो ऑप्शन में से पंद्रह गो सही देना है जवाब सही देना है जैसे बीस को सवाल रहेगा उसमें पंद्रह को सवाल का सही जवाब देना है ऑप्शन भी मिलता है जैसे चार सवाल रहेगा उसमें एक सवाल के ऊपर टिक कर देना है उसमें पास हो गए तो ड्राइविंग टेस्ट लेगा उसमें भी पास हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद आप सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में फंस कैसे जाते हैं लोग जो जान सुने होंगे ना मेन मुद्दा ये फंस जाता है ड्राइविंग जॉब में जाता है बकरी चरवाने लगता है ऐसा नहीं होता है दोस्तों वो बकरी चराने का ही बीजा रहता है जो आपको ड्राइविंग का वीजा बोल कर झूठ बोल कर देता है लोग पैसा कमाने के लिए समझ गए ना वैसा कोई फ्रॉडिंग नहीं होता बीजा बीजा जब चेक करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मजरे का बीजा है या ड्राइविंग का बीजा है कोई कोई कपिल होता है जो ड्राइविंग का भी काम करवाता है मजरे का भी काम करवाएगा आपका घर भी धुलवाएगा गाड़ी भी धुलवाएगा दो चार पाँच दस इस तरह गाड़ी धुलवाता है ऐसा कोई देखिए आपको किस्मत में जो रहेगा वही होगा डरिएगा नहीं हम तो ये बहुत बोलेंगे डरिएगा नहीं बिंदास जाइए पाँचों उंगली पाँच बराबर है एक बराबर नहीं है बिंदास जाइए मिशन रखिए कि हमको जाना है और पैसा कमाना है जो भी हो जाए देख लेंगे बस हाँ वहाँ का जो नियम कानून है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा उस वो किसी के बहगावे मत आकर दारू शराब ऐसे वैसे कुछ गलत काम नहीं कीजिएगा जो वहाँ का नियम है वो फॉलो कीजिएगा वो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए वहाँ होगा वहाँ पे अगर आप नियम कानून से चल रहे हैं तो कितना लोग कहते हैं कि रोड पे चलाओगे इतना चलान आ जाएगा मुखालफा आ जाता है तो भाई गलती करोगे तब तो ना आएगा चलान अपना नॉर्मल चलाओ जहाँ जाना जो है जो स्पीड लिखा रहता है साठ का स्पीड है साठ से कम ही चलाओ उनको तो जबरदस्ती कोई थोड़ी ना चलवाएगा तो लोग उसमें बोल रहे कि भाई यहाँ पर मुखालफा इतना आ जाता है इतना पैसा चला जाता है फाइन में जो कमाते हैं वो सब यहीं चला जाता है मैं एक ही बात बता दिया कि नियम कानून को फॉलो कीजिएगा नियम कानून को उल्लंघन मत कीजिएगा अगर ये आपको पक्का रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा और एक दूसरे का बहकावे में मत आइएगा काम से काम मतलब रखिए कोई दोस्त यार भाई बहन वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा आपका सिर्फ जो आपको बुलाया है मालिक वही काम आएगा तो मालिक का बात मानिए उसके दिल में जगह बनाइए और बिंदास रहिए थोड़ा दो साल तीन साल कष्ट कीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा फिर आइए इंडिया में बिजनेस कर लीजिए कुछ भी करके रह जाइए मिशन बना के जाइएगा दोस्तों मिशन नहीं है तो कुछ नहीं है कितने लोग तो जाते हैं वहाँ से तुरंत तो वापस चलाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि वहाँ जाने के बाद क्या करना पड़ेगा ये समझ लीजिए दो साल जेल में रहेंगे जेल तो रहेगा नहीं लेकिन आज़ादी रहेगा लेकिन ड्यूटी बहुत हार्ड होता है मतलब जब भी कॉल करेगा ना आपको जाना पड़ेगा बारह बजे दो बजे मेरा तो तीन तीन बजे तक ड्यूटी था तीन बजे भोर तक ड्यूटी फिर सुबह में ड्यूटी माइनेज करना पड़ता है यार एक आप कष्ट कीजिएगा तो सब लोग एकदम बिंदास रहेगा घर में जो भी कर्जा महाजन घर द्वार बनाना है सब आपका हो जाएगा एक आदमी के कष्ट से जाइए बिंदास जाइए किसी के बहकावे में नहीं रहिएगा बस अपना काम से काम मतलब रखिए कोई दिक्कत नहीं होगा सब धीरे धीरे नाइल नाइल ला, लाइनअप होने लगेगा धीरे धीरे तीन महीना आपको दिक्कत बुझाएगा जब तक वहाँ का थोड़ा मोटा भाषा नहीं सीख जाइएगा कंपनी में लोग जाते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सब लोग हिंदी में बात करने वाला रहता है अगर आप ड्राइविंग में जा रहे हैं तो आपको मालिक मालकिनी से बात करना है मालिक से बात करना है कोई कोई मालिक मालकिनी है ना थोड़ा गलत मिल जाता है नहीं तो सही मिलता ही है ऐसा बात नहीं है पाँचों और ही पाँच बराबर एक बराबर नहीं उन्नीस बीस होगा थोड़ा सही हैगा कुछ दिन के बाद है फिर आइएगा दूसरा बीचा पर जाइएगा तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को अभी तक अगर वीडियो देखें तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम हर जगह फैला दीजिए आपका भाई का वीडियो है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भर भर के और क्या जानना चाहते हैं आपका भाई हर एक कमेंट पढ़ता है लगता है कि नहीं इस पर वीडियो बनाना चाहिए उस पर वीडियो बनाते हैं और किस पर वीडियो जानना चाहते हैं क्या होता है मतलब कौन जॉब में जो भी बोलिएगा उस पर वीडियो बनाएंगे मलकिनी से थोड़ा सतर्क रहिएगा यही कहेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप लोग का जैसा कॉमेंट रहेगा उस तरह आप वीडियो आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर क्या नहीं किए जा रहे हैं लाइक भी नहीं किए लाइक तो कीजिए मिलते हैं बाय बाय